दोस्तों, अमेरिका हमेशा मुल्कों को एक दूसरे से लड़वाता आया है। ये सिलसिला आज से नहीं बल्कि वर्ल्ड वॉर टू से ही चला रहा है और भारत भी अमेरिका के इस मंसूबे से वंचित नहीं रह सका है, क्योंकि भारत पाकिस्तान हो या फिर इंडिया चाइना, अमेरिका हमेशा भारत के दुश्मनों के साथ ही खड़ा होता दिखा है। लेकिन क्योंकि आज भारत का अहमियत पूरी दुनिया में एक उभरता इकोनॉमी और यंग कंट्री के रूप में है, जिसके चलते ही अमेरिका आज भारत के तरफ खड़ा मिलता है। दोस्तों, आज भी अगर देखोगे जो युद्ध दुनिया भर में चल रहे हैं, अगर कोई देश का सबसे ज्यादा फायदा हो रहा है तो वो अमेरिका का ही हो रहा है। सबसे पहले हम बात करेंगे इसराइल और फलस्तीन कॉन्फ्लिक्ट में अमेरिका का फायदा और नुकसान। अभी जो आप ये हमास का मिसाइल देख रहे हो, ये अमेरिका का ही है, ये कहना गलत नहीं होगा। क्वासिम मिसाइल, जिसके कारण पैलेस्टाइन और गाजा का ये हाल है। इनके मेन पुर्जे अमेरिका के ही हैं। इन मिसाइलों की बॉडी, जिसे अमेरिका कुछ साल नीचे गाजा को वाटर इरिगेशन के चलते दिया था, उन पाइपों में हमास चीनी और खाद का मिश्रण डालकर मिसाइलों में तब्दील कर देता है। दोस्तों, क्या ऐसा हो सकता है जब हजारों की संख्या में हमास मिसाइल बना रहा हो, अमेरिका की CIA और उसका दोस्त मोसाद सोए हुए हो? इस युद्ध में गाजा तबाह हो चुका है और इसे तबाह करने के चलते इसराइल बिलियंस डॉलर का हथियार अमेरिका से ही खरीद रहा है। वहीं दूसरी तरफ आप देख सकते हो रशिया यूक्रेन युद्ध, जिसमें यूक्रेन अमेरिका का इतना हथियार लगा चुका है कि अमेरिका भी एक बार के लिए अपने अमुनिशन के स्टॉक को लेकर चिंतित है, क्योंकि यूक्रेन के सहयोगी देश अमेरिका से हथियार खरीदकर यूक्रेन को सप्लाई करते हैं और अमेरिका इस युद्ध को और भी लंबा खींचने के लिए यूक्रेन के साथ खड़ा है, ताकि ऐसे ही ये युद्ध चलता रहे। और इसका रिजल्ट लॉकहीड मार्टिन, नॉर्थ्रॉप ग्रुमन, जनरल डायनामिक्स, ये सभी अमेरिकी डिफेंस कंपनियां हैं जो हथियार बनाते हैं। आप देख सकते हो इनके स्टॉक सबसे ज्यादा ऊंचाई तक पहुंच चुके हैं। ये वार के चलते अमेरिका का फायदा है। दोस्तों, इराक और कुवैत का ज्योग्राफिकल लोकेशन देखें तो इराक ऊंचाई पर है, कुवैत नीचे में, जिसके कारण जो ऑयल है वो रिसते हुए कुवैत के तरफ आ जाता है और 1990s में कुवैत इसका फायदा उठाकर ऑयल प्रोडक्शन को कई गुना बढ़ा देता है। प्रोडक्शन ज्यादा होने की वजह से पूरी दुनिया में ऑयल रेट एकदम से कम हो जाता है। इसे देखते हुए सद्दाम हुसैन, जो उस समय इराक के शासक थे, वो कुवैत को वार्न करते हैं, अगर कुवैत अमेरिका के बाद में आकर इसी तरह ऑयल प्रोडक्शन जारी रखता है तो वो कुवैत पर हमला कर देंगे। लेकिन क्योंकि कुवैत को अमेरिका का सपोर्ट हासिल था, अमेरिका कुवैत को ऑयल रेट और भी कमाने के लिए कह देता है, जिसके बाद सद्दाम हुसैन कुवैत पर हमला कर देते हैं और सिर्फ 2 दिन में इराक कुवैत पर कब्जा कर लेता है, जिसके बाद अमेरिका UN की मदद से इराक में भयंकर बमबारी करता है, जिसमें इतने बॉम्ब्स डाले जाते हैं कि इराक पूरी तरह से शमशान में तब्दील हो गया और कुवैत के तेल के कुएं सालों तक ऐसे ही जलते रहे, जिसमें ये दोनों देश का तो नुकसान हुआ ही, लेकिन अमेरिका का फायदा हुआ वो तेल के रूप में। दोस्तों, अगर हमारा कंटेंट आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें।